उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना नदनगरी के अंतर्गत नदनगरी A2 कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक की आपसी रंजिश के चलते चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। रंजिश इतनी गहरी थी कि हमलावरों ने उसे सड़क पर पटक कर पत्थरों से भी पीट कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। मृतक राहुल उर्फ भोला नदनगरी A2 में अपने परिवार के साथ रहता था। परिजनों की माने तो आपसी रंजिश के चलते चार लड़कों ने उसकी हत्या चाकू और पत्थरों से पीट कर कर दी। सर जी, ये मेरे भाई है जिन्होंने की डेथ हुई है A2 वाले स्कूल के पास, लाला उसके भाई और दो लड़के और, इन्होंने मेरे सामने मेरे भाई पे चाकू से वार करा और लगातार उस पर वार करते रहे जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई। जब मैं वहाँ पे मैंने शोर मचाया और मेरे दोस्तों ने शोर मचाया तो वहाँ से भाग निकले। पब्लिक ने उन्हें पकड़ने की कोशिश करी लेकिन वो पकड़े नहीं गए और जब हम उन्हें GTV लेके पहुँचे तो वहाँ उनकी मृत्यु घोषित हो गई। तो इसमें कोई और संगी साथी कोई शामिल थे क्या? सर जी, ये पाँचों जने हैं, ये पाँचों पुराने क्रिमिनल हैं, ये कई केसों में फरार थे। तो नाम क्या है उनका? नाम सर जी इनका, एक का लाला है, रोहित है हाँ, और एक का नाम जुगनू है, और दो लड़कों का, एक का नाम सोनू है, एक का नाम राकेश है। तो ये जो वारदात चल रही थी वो पीछे से रंजिश थी कुछ? सर जी, ये पीछे से रंजिश थी, ये कभी मेरे भाई पे नाजायज केस लगवा देते थे और कभी इनको बार बार मारते थे, कभी डंडों से कभी किससे। आज इन्होंने मेरे भाई को अकेला पकड़ लिया पांचों ने और इसकी मृत्यु कर दी चाकू को। तो पुलिस का कोई सहयोग आपके प्रति? सर जी, पुलिस का भी कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है, हमें आपसे विनती है हमें सहयोग करें। मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम सर जी राहुल है। वो कहाँ रहते थे? सर जी A2 में रहते थे मृतक। यहाँ क्या कर रहे थे? सर जी यहाँ पे खड़े हुए थे हलवाई की दुकान पे, समोसे ले रहे थे, रिश्तेदार आए हुए थे। अच्छा, हाँ जी। उस वक्त क्या हुआ वहाँ पर? उस वक्त सर जी ये पांचों अचानक से पहुंचे और इन्होंने मेरे भाई को पीछे से पकड़ा और चाकू से डायरेक्ट वार करने स्टार्ट कर दिए, ना उससे कुछ पूछा ना कुछ ताचा। तो मौके वारदात पर मौत हुई या कहीं सर जी हॉस्पिटल में? ये मौके वारदात पर मौत हो गई, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई सर जी, इन्होंने इतने चाकू मारे। इसमें लोगों का कोई सहयोग? सर जी लोगों का कोई सहयोग नहीं, इसकी खाली ऑन द स्पॉट पब्लिक के बीच में बेल मौत हो गई। काफी दिनों से ये रंजिश चली आ रही थी। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता मेघराज सिंह की रिपोर्ट।